पप्पू वो जा रही है। हाँ भाभी बहुत इमोशनल सीन है। ओए सी अरे मैं बोल रही हूँ तानिया दिल्ली छोड़कर जा रही है। क्या तानिया और चंदू लड़की का नाम तो गौरी है। ये तो गौरी जा रही है। अरे गधो अपनी तानिया दिल्ली छोड़कर जा रही है। हाय 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 सच्ची? हाँ। अरे पप्पू तू टेंशन मत ले यार, तानिया ना अपने बाप से मिलने जा रही होंगी पटियाले। अरे नहीं नंदू वो कनाडा जा रही है अपने मामा जी के पास और वो वहीं रहेगी हमेशा के लिए। भाभी फिर मेरे प्यार का क्या होगा? वैसे कर किचन में एक डब्बा पड़ा है उसमें नमक और तेल डाल और अपने प्यार का अचार डाल दे। प्लीज यार लेकिन वो अचार मुझे मत देना, मुझे नहीं खाना तेरे प्यार के अचार को। अरे भाभी कुछ करो ना यार मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। अरे रोतलू रोना बंद करे यार अभी भी तेरे पास 12 घंटे, जा जाके अपने प्यार का एहसास दिला पप्पू वरना जिंदगी भर पछताएगा। जा मेरे पप्पू जा, ये बात बचा ले अपने सिमरन को जा। सिद्धू पर लड़की का नाम तो तानिया है तो पप्पू सिमरन को क्यों रोकेगा? यार तुम तो चुप ही करो यार। जा जी ले अपनी जिंदगी। बेचारी गौरी चली गई। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ओए पप्पू क्यों होया? मैंने फोन करके इतनी जल्दी आने को क्यों कहा? तानिया मैंने सुना तुम दिल्ली छोड़ के कनाडा आ रही हो। ओए इसका मतलब तेरे कान बिल्कुल सही है, क्या बात है। मेरे कान तो ठीक है लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों जा रही हो कनाडा? चपेट मारी तेरे मुंह पे, क्यों ना जाऊं मैं कनाडा? तानिया लेकिन तुम कनाडा क्यों जा रही हो? कहीं तुम्हारी फैमिली ने कोई लड़का तो पसंद नहीं कर लिया कनाडा में? नहीं यार वहाँ पे ना मेरे मामा जी हैं और उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया है। फिर मेरा क्या होगा? ओए तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हुआ ना तेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे। मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ तानिया, मैं तो अपने दिल के हाल की बात कर रहा हूँ। दिल? केड़ा दिल? केड़ा दिल नहीं मेरा दिल। ओए कनाडा मैं जा रही हूँ और जूते ऐसा मुंह तूने बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि टिकट के पैसे तूने खर्चने। हुआ क्या है तुझे? मुझे वो हुआ है जो रोमियो को रांझे को और महिवाल को हुआ था। इसका मतलब हमारे मोहल्ले के रांझा खान, रोमियो डिसूजा और महिवाल बख्शी को तो डायबिटीज हुई थी, तू डायबिटिक हो गया है? अरे तानिया यार मैं प्यार की बात कर रहा हूँ और तुम इन बीमारियों से आगे नहीं बढ़ रही हो। रियली तानिया मुझे ना प्यार हुआ है। अच्छे की कभी तुमसे सच्चे वाला, कुछ एपिसोड पहले भी मैंने तुमसे कहा था ना। ओए चपेट लगाऊंगी तेरे मुंह पे, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, फितूर है दिमाग का सिर। मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ, वो टाइटैनिक वाला प्यार। ओए टाइटैनिक की तरह तेरा प्यार भी डूब जाना है एक दिन, और जो सच्चा प्यार है ना बहुत ही भारी भरकम चीज होती है, तुझसे नहीं संभलेगा। और तेरा प्यार कुछ दिनों में फुस हो जाएगा। अरे तानिया मेरा प्यार कोई सस्ता सुतली बम थोड़ी फुस हो जाएगा। तू पहले ये पता कर कि तुझे सच्चा प्यार हुआ भी है या नहीं, फिर आइयो मेरे पास बात करने के लिए, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। भाभी हाँ? ये भाई कहाँ पड़े? मेरी किस्मत में यार। अरे अभी कहाँ पड़े भाभी? अरे यार थोड़ी सी सब्जी लेने भेजा है, पता नहीं 3 घंटे से कौन सी सब्जी उगा रहा है। वो भाई को खेती करनी नहीं आती ना इसलिए देर लग रही है। चुप करो यार पप्पू। वैसे इतनी हड़बड़ में तुम नंदू को क्यों ढूंढ रहे हो? सच सच बोलो तुम दोनों के दिमाग में क्या खुराफाती प्लान चल रहा है? नहीं 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 भाभी कोई खुराफात नहीं है, मुझे ना बस एक सवाल का जवाब पूछना था भाई से। फिर तो जरूर कोई खुराफाती सवाल होगा क्योंकि नंदू जैसा छिछोरा ना ऐसे ही सवालों के जवाब दे सकता है। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। मुझे बता। नहीं भाभी आपको नहीं बता सकता। हैं? मुझे नहीं बता सकता, बताता है या मैं? भाभी दरअसल मुझे भाई से ये पूछना था कि मैं तानिया से प्यार करता हूँ कि नहीं। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे पता है, और तानिया ने कहा कि मैं ये बात कंफर्म करके आऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं कि नहीं, इसलिए मैं ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आया था। हाँ, ये बात है। एक बात बता, तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है? ये लो। नहीं 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 भाभी। सच सच बोलो। है थोड़ा सा। है। और सोशल मीडिया में फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजता है शायराना? नहीं भाभी। भेजता हूँ भेजता हूँ। हाँ भेजता है तो तू तानिया से प्यार बिल्कुल नहीं करता। ये आप कैसे कह सकती हो भाभी? अरे भाई जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है ना तो वो दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं देखता, पर तेरे दिमाग में तो छिछोरा पंती भरी हुई है। नहीं नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है,
दरअसल क्या है ना, मैं जिस भी लड़की को देखता हूँ या जिसके साथ चैट करता हूँ ना, उसमें मुझे तानिया ही दिखाई देती है। तानिया ही दिखाई देती है, रहने दे, छिछोरा कहीं का। अभी मैं छिछोरा नहीं हूँ। तो यार छोरा, इन बातों से वो बात पता नहीं चल पाएगी। सुन, प्रैक्टिकल कर। हाँ, वहाँ कुछ दिख रहा है? वहाँ? आइटम्स। आइटम? नहीं नहीं भाभी, मेरा कहने का मतलब है पत्थर, सड़क, मिट्टी, पान का खोखा, ये सब आइटम ही तो हैं। चुप कर तू। सारे आइटम समझती हूँ मैं तेरे। एनीवे, उनमें से कोई लड़की पसंद आ रही है तुझे? इनमें से? हाँ। मुझे तो तीनों पसंद है भाभी। सॉरी। इट्स ओके, मुझे नंदू समझ और बोल डाल। पक्का? ओके तो सुनो भाभी, वो जो बीच वाली है ना, मरून वाली, उसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, और जो ब्लैक ट्राउजर वाली है ना, उसकी स्माइल माशाल्लाह, और वो जो है ना पीली वाली माल, आई मीन माल गाड़ी, वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, पीली वाली माल गाड़ी है। ओके, इन तीनों में से तू कॉफी पिलाने किसे ले जाएगा? मरून वाली को। और मूवी दिखाने? ब्लैक ट्राउजर। अच्छा, और डेट पर? डेट पर तो मैं मालगाड़ी, आई मीन येलो वाली को लेके जाऊंगा। येलो वाली को ले जाएगा? ऐसा प्यार करता तू तानिया से? सारी लड़की में इंटरेस्ट दिखा रहा है तू। पर भाभी, आप ही ने तो पूछा था। वो तो मैं तेरा टेस्ट ले रही थी। अच्छे जी। टेस्ट में ना तू पप्पू फेल हो गया है। कोई प्यार व्यार नहीं करता तू तानिया से। हाँ, शादी करेगा। भाभी, भाभी भाई, ये मूली के पत्तों की तरह तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पर तानिया, मेरा मुंह तो मेरे मुंह पर ही है, लटका कहाँ हुआ है? ए, मैं पूछ रही हूँ, तू दुखी क्यों लग रहा है इतना? तानिया, मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता। रियली? ऐसा क्यों लगता है तुझे? तानिया, तुम्हारे होते हुए भी मेरा मन करता है दूसरी लड़कियों को ताड़ने का, तो इससे पता चलता है ना कि मेरा दिल खराब है। अरे, इसका मतलब ये है कि तेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। और इससे दिल खराब कैसे हो सकता है? अरे नहीं तानिया, दिल खराब है ना, तभी तो तुमसे प्यार करने के बावजूद भी मैं दूसरी लड़कियों को देखता हूँ। लल्लू कहीं का। इसका मतलब ये है कि तेरे दिमाग में ना बुद्धि की कमी है, समझ में आया? अरे यार, मुझे ना शाहरुख खान बहुत पसंद है, उसको देखने का भी बड़ा मन करता है मेरा, और कई बार तो सपने में उसके साथ गाने भी गा लेती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती हूँ। अब ये मैं सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। अरे तानिया, शाहरुख खान तो हीरो है, वो तो मुझे भी पसंद है, हम लोग उसकी फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं ना, तो पैसा खर्च करेंगे तो उसके सपने देखने का हक तो सभी को है। यार तू ना बात ही नहीं समझ रहा है। मैं सब समझ चुका हूँ तानिया, सच तो ये है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। क्या मेरी बात बात तो सुन। अरे बाबा जी, किस गधे से पाला पड़ गया मेरा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? भाभी, भाभी। क्या है पप्पू? भाभी, मैंने तानिया को कह दिया कि मैं उसे प्यार नहीं करता। हैं? चलो अच्छा है, मेरी जिंदगी ना सही, कम से कम मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बच गई। अरे यार प्लीज, कोई बताएगा कि सीन में हो क्या रहा है? यार तुम स्क्रिप्ट क्यों नहीं पढ़ के आते हो? अरे ठीक है ना पप्पू, नहीं पढ़ी अब बता दे यार। ठीक है सुनो, समझ में आया? ओ पप्पू, ये तो तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया तूने। क्यों भाई? अरे पप्पू, तू तानिया से ही प्यार करता है। अरे नहीं बाबा, ये तानिया से प्यार नहीं करता, मैंने प्रूव कर दिया। लगा दिया ना औरतों वाला दिमाग। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं पप्पू, तू जरा बाहर चल, मैं तुझे समझाता हूँ। बॉय टॉक सीसी। तुमने तो कहा था बॉयज टॉक करेंगे, चंडोला अंकल को कहां से पकड़ना है? अरे अच्छा आदमी है यार, रहने दे। लेकिन तू ना पप्पू एक नंबर का गधा है, गधा। ये तो फर्स्ट एपिसोड से ऑडियंस को पता होगा। भाई तुम डांट क्यों रहे हो? अबे मन तो करता मारने का, लेकिन डांट के काम चला रहा हूँ। क्यों भाई? तूने ताने को क्यों बोला कि तू उससे प्यार नहीं करता? इसलिए बोला भाई क्योंकि मुझे वो सुंदर आंखों वाली के साथ कॉफी पीने जाने का मन कर रहा था। तो ये बता,
कि बरसात के समय कौन सी लड़की के साथ घर पर बैठकर पकोड़े खाने का मन करता है? बरसात में घर पे बैठ के पकोड़े तानिया के साथ भाई। हाँ लेकिन भाई मेरा वो दूसरी वो ब्लैक ट्राउजर वाली के साथ में ना मूवी देखने जाने का मन कर रहा था। ये लो। अच्छा ठीक है ये बता कि बीच पर हाथों में हाथ पकड़े हुए रोमांटिक वॉक करने का मन कौन सी लड़की के साथ होता है? भाई रोमांस करने का मन तो मेरा तानिया के साथ ही होता है। ये हुई ना बात। लेकिन भाई वो तीसरी मालगाड़ी वो जो तीसरी लड़की थी ना उसके साथ मुझे डेट पे जाने का मन कर रहा था। ठीक है फाइनली ये बता कि शादी करके दुल्हन बनाकर घर पर लाने का मन कौन सी लड़की के साथ होता है? भाई दुल्हन बना के तो मैं सिर्फ तानिया को लाना चाहता हूँ। तो अब समझ में आया तेरी? क्या भाई? देख पप्पू हम मर्दों की फितरत होती है कि हर लड़की के पीछे पीछे भागे क्योंकि लड़कियां होती इतनी सुंदर है पर किसी एक लड़की के लिए पागल हो जाना जिंदगी भर उसका होकर रह जाना उसे हर जगह महसूस करना उसकी एक स्माइल के लिए कुछ भी कर जाना वो तब होता है जब हमें सच्चा प्यार हो जाता है जैसे मुझे चंदू के साथ हुआ है। भाई ऐसा तो मुझे भी फील होता है तानिया के लिए। अबे इसलिए तो कहा ना कि तुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ भाई समझ गया मैं तानिया से प्यार करता हूँ। लेकिन भाई ये सारी बातें आपने घर में क्यों नहीं कही भाभी के सामने? अबे इसलिए पप्पू क्योंकि मैं मर्द हूँ मर्द। अच्छे देख यार पप्पू बीवी की डांट खा लूंगा डंडे खा लूंगा किसी और लड़की को ताड़ने के लिए गाली भी खा लूंगा लेकिन उसके सामने इमोशनल नहीं होऊंगा समझा? ये बात धन्य क्या प्रभु धन्य किया जीते रहो जीते रहो। भाई अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं तानिया को जाके बोल दूंगा कि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये हुई ना बात मेरे शेर। चलो हेलो खामोशियां बेचैन।